हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में, जो कि लगातार खबरों में बना हुआ है, कभी एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर, कभी जो है नए भर्ती विज्ञापन के अधिशासन को लेकर। तो बड़ी खबर इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, आगामी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर, और उसके अलावा नकलची अभ्यर्थियों के बारे में जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नया सिस्टम जो है जारी किया है, जो कि बिल्कुल जस्ट उल्टा होगा लोक सेवा आयोग से। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ अब अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कल ही तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के का जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे थे राम कणवाल, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं जीएस मार्तोलिया जी से मुलाकात की। तो उन्होंने अपने यहाँ पर अनेक क्वेश्चन रखे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था एग्जामिनेशन जो है कैलेंडर को लेकर, कि जो है कैलेंडर कब जारी होगा। स्पेशली ये कैलेंडर नई भर्तियों का नहीं है, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, नई भर्तियों का कोई भी अधियाचन अभी तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास नहीं पहुँचा है। तो नई भर्तियों का कैलेंडर नहीं होगा, ये कैलेंडर उन्हीं भर्तियों का होगा जो तीन भर्तियाँ आयोग की ओर से निरस्त की गई हैं, जिनमें वनदरोगा, बीडीओ, बीपीडीओ और आपकी सचिवालय रक्षक की है। तो उन्होंने कहा है कि जो कैलेंडर है वो आपको मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कि इस माह के अंत तक आपको जो है कैलेंडर 100% मिल जाएगा। हालांकि खुद जो है यहाँ पर जीएस मार्तोलिया जी ने कहा था कि सोमवार को आएगा, हालांकि वो कौन सा सोमवार था अभी तक तो कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है उनका कहना है हो सकता है कि उनका ये कहना हो कि मार्च के अंतिम सप्ताह के सोमवार को, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो एग्ज़ाम्स को लेकर होंगे, यानी कि सबसे पहले आपका जो है सचिवालय रक्षक का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपके वन दरोगा का एग्ज़ाम होगा, फिर लास्ट में आपके जो है वीडियो बीपीडीओ का जो है एग्जामिनेशन होगा। ये तो रही दो बड़ी बातें। जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो रही नकलचियों की। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड जो एसटीएफ है और उसके अलावा एसआईटी ने जाँच के दौरान जो है करीब 140 से लेकर ऊपर अभ्यर्थियों के नाम दिए हैं, और आपको याद होगा कि लोक सेवा आयोग ने उनके नाम और रोल नंबर जो है यहां पर जारी किए थे, लेकिन इससे उल्टा जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि आपको UK SSSC, उन नकलची अभ्यर्थियों के नाम का जो है आपको पता देगी, यानी कि नाम के बारे में आपको बताएगी, उनके पते, उनके जिले और उनके रोल नंबर भी साथ साथ आपको यहां पर दर्शाएगी। आई थिंक एड्रेस तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्टली आई थिंक आपको जिला का नाम जो है यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि जिला और उसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो एक डेलीगेशन पैनल है, उन्होंने आप देख सकते हैं जाकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाकर अध्यक्ष मार्तोलिया जी से मुलाकात की, जिसमें परीक्षा कैलेंडर इसी माह, नकलचियों की लिस्ट इसी माह, पहली परीक्षा अगले माह से आयोजित कराने की बात कही है। इसके अलावा उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो शुरू से मांग थी कि नकलचियों की लिस्ट में उनका पूरा एड्रेस, रोल नंबर सहित हो, ठीक वैसे ही जारी यहाँ पर किया जाएगा। आयोग अगर अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो दोबारा यहां पर आयोग जाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के डेलीगेशन की जो है यहां पर मांग है। बाकी आपकी क्या राय है इन खबरों पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।